हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों? अच्छा, आप ये बताइए आज मैम आपको क्या करवाने वाली है। सबसे पहले आप ये बताइए, मैम ने आपको प्रीवियस क्लास में लेसन नंबर 1 भाषा और व्याकरण आपको एक्सप्लेन किया था। मैम ने आपको सबसे पहले भाषा के बारे में बताया था, उसके बाद मैम ने आपको व्याकरण के बारे में समझाया था, और आई होप कि आपको समझ भी आया है। आज हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारा सबसे पहले क्या आते हैं? प्रश्न उत्तर। ओके, तो मैम आपको प्रश्न उत्तर पहले ओरली बताएंगी, उसके बाद मैम आपको असाइनमेंट सेंड करेंगी और आपको उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मैम ने ऑलरेडी पेज ओपन किया है, आपको भी अपनी बुक ओपन करनी है। आओ व्याकरण सीखे, और उसमें आपको पेज नंबर 8 ओपन करना है। ओके, जैसे आपने पेज नंबर 8 ओपन किया तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैम ने आपको पूरा चैप्टर समझाया था, अब मैम आपको प्रश्न भी बताएंगी, उत्तर भी बताएंगी। ओके, तो पहला प्रश्न है, भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? इस टाइम आप क्या कर रहे हैं? मैम आपसे बोल रही है और आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, इसका आंसर है, भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, तथा दूसरों की बातों को पढ़कर और सुनकर समझते हैं। ये काफ़ी लंबी लाइन है, लेकिन आप इसको एक शॉर्ट में लिखिएगा, वो मैम आपको सेंड करेंगी ना। तब भाषा के द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, बस इतना आपको बताना है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया कि हम बोलकर भी बता सकते हैं, लिखकर बता सकते हैं, हम संकेतों के द्वारा बता सकते हैं, लेकिन इतना लंबा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखें, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। अब आप ये बताइए, गुजरात में भी मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं? नहीं। महाराष्ट्र में भी नहीं। हर स्टेट की, मैम ने आपको बताया था ना, हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजरात में गुजराती। और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपि से आप क्या समझते हैं? मैम ने आपको बताया था ना, लिपि स्क्रिप्ट। लिपि से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 और लास्ट प्रश्न है, व्याकरण की परिभाषा हमें देनी है। व्याकरण की परिभाषा लिखिए। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाती है। व्याकरण, फिर से सुन लीजिए, व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाती है। तो चलिए, मैम ने आपको देखिए प्रश्न के उत्तर आपको ओरली बता दिए, अब मैम आपको क्या करेंगी? असाइनमेंट सेंड करेंगी। आपको उस असाइनमेंट को, इन प्रश्न के उत्तर को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और कंप्लीट करना है अपना वर्क। ओके, और उसके बाद आप अपना वर्क लर्न भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको रिटर्न ही करना है, आपको रिटर्न के साथ साथ आपको लर्निंग वर्क भी अपना स्टार्ट रखना है, क्योंकि फिर आपके ऊपर बहुत सारा वर्क पेंडिंग हो जाएगा। तो फिर आप अगर लर्न नहीं करोगे तो लिखने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा फिर नोटबुक में, और लिखने के बाद उसको लर्न करना है। ओके, और हम अब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में मैम आपको इसी लेसन का बुक वर्क कराएंगी। तो तब तक आई होप कि आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, मैम के जाने का टाइम हो गया है। नाउ सी यू एंड गुड बाय एवरीवन।